महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों समय के सदगुरु, समय के मुर्शद सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। 71वें वार्षिक निरंकारी संत समागम, संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा सेवा दल रैली में अपने मुखारविंद से फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए सभी बहुत सुंदर रूप में थे। आप सब ने बहुत मेहनत की है, इसके पीछे के भाव को अगर हम अपना लें तो जीवन में अवश्य ही बहुत निखार आ जाएगा। सेवा दल की जहाँ तक बात होती है तो सेवा दल तो इस मिशन की आन बान शान है। मिशन के सेवा दल में निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी, चाचा प्रताप सिंह जी और ऐसे कितने ही महान महापुरुषों के योगदान रहे हैं। अगर सदगुरु स्वयं इस समय सेवा दल के रूप में इस वर्दी में सजते थे तो अवश्य ही यह बात समझ में आ जाती है कि इस वर्दी की कितनी गरिमा है। अगर यह वर्दी हमें भी पहनने को मिल रही है तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस वर्दी के पीछे कितनी मेहनत है और क्या भाव रहे होंगे जो इतनी कुर्बानियां भी दी गई हैं। सेवा दल की वर्दी पहनते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सेवा करते हुए भी और सेवा के बाद भी कहीं कोई ऐसी बात ना करें कि कोई उंगली उठाकर कहे कि यह तो सेवा दल का सदस्य है या खुद ही अनुशासन में नहीं है, खुद ही गुरुमत के अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसी कभी कोई भी बात हमारे ऊपर ना आए, हमने बाकियों के लिए भी एक आदर्श बनना है। हम जहाँ खूबसूरती से अपनी सेवाएं करें वहीं संगत रूप में महापुरुषों के साथ अपने व्यवहार की ओर भी हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सचेत होकर चेतनता के साथ सेवा करनी है, जैसे कि संगत में नमस्कार की लाइनों को सजग होकर आगे बढ़ाना है ताकि लाइनों की गति के साथ सहजता भी बनी रहे, कतारें भी आगे चलती रहें और अगर कोई महात्मा अपनी जगह पर रुक गया है तो हमें अपनी आवाज ऊंची ना करके बल्कि और नम्र होकर उनको हाथ जोड़कर कहना है कि जल्दी जल्दी चलते रहिए जी। सेवा दल लगभग 3 महीनों से यहाँ आकर सेवा कर रहा है और जिस तरह मैदानों का रूप निखरा है वो हम देख ही रहे हैं। सेवा दल और साथ संगत ने मिलकर इन मैदानों को संवारा है। ये भाव जब आप महापुरुषों में देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी युवा, बाल सेवा दल, साथ संगत और निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा अगर अनुशासन में रहकर मर्यादा में संगत सेवा और भक्ति करे तो अवश्य ही मिशन का भविष्य बहुत उज्जवल है। सात संगत जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन यहाँ सुबह सेवा दल रैली के रूप में हमने बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी। उसके पीछे जो संदेश था वह बहुत ही प्रेरणादायक था। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं जो संदेश चाहे विचारों, कविताओं या गीतों के द्वारा या सुबह सेवा दल रैली में जो कार्यक्रम हुए उन सब के पीछे भी वही मानवीय मूलों वाला भाव है कि हमने मानवता के लिए पुल बनना है। समाज से नफरत को दूर करने के लिए केवल ब्रह्म ज्ञान का ही सहारा लेना है। ब्रह्म ज्ञान ही अज्ञानता को दूर कर सकता है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते थे कि हमें एकत्व में सद्भाव वाला रूप केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में बनाना है। कहीं भी फर्क नजर ना आए यही लगे कि सब अपने हैं। बाबा जी की बातों पर ध्यान जाता है। जो उन्होंने इतने साल हमें प्यार दिया, उन्होंने जो संदेश दिए वो हमने पल पल याद रखने हैं। माता सविंदर जी ने भी वही मूल बात हमें समझाई है। या 71वां समागम है, समागम तो कई वर्षों से लगातार हो रहे हैं। शरीर रूप में जरूर इस स्टेज पर आकृत बदली है लेकिन संदेश वही है। ब्रह्म ज्ञान वही है जो हमारा सार है। उसको कायम रखने के लिए जिंदगी भर पल पल उस पर चलना है। दासी एक निवेदन करना चाहेगी कि बाबा जी माता जी ने हमेशा हमसे उम्मीद की कि हम एक दूसरे की खामियां ना देखें। बाबा जी अपने विचारों में कहा करते थे, बी निगेटिव अबाउट निगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ नकारात्मक रहें। बाबा जी यह भी चाहते थे कि हम एक पुल की तरह जीवन जिए जो एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाता है। हम हर एक से इस तरह से जुड़े कि हमारा किनारा एक दूसरे से मिले। हम अपने आप को दूसरों से अलग ना समझें, सबको अपना ही समझें। एक दूसरे से अगर कोई मनमुटाव भी है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर कर लें। मन की वह बात जब छोटे स्तर पर ही हो, अभी शुरुआत ही हो, हम उसी समय ही अपने मनमुटाव दूर कर आपस में बात करें। हम एक दूसरे की बात ना करके एक दूसरे से बात करें। अपनी आलोचना को भी सकारात्मक रूप में लेकर अपने में सुधार करें। यह ना देखें कि उसके जीवन में भी वह खूबी है या नहीं जिसे वह हमें जीवन में अपनाने के लिए कह रहा है। अगर हम हर पल अपने जीवन को सुधार करेंगे तो हमें बहुत ही कम समय मिलेगा दूसरों की खामियां देखने के लिए। गांधी ग्लोबल फैमिली की एक टीम यहाँ आई है और उन्होंने जो अवार्ड दिया है उसके लिए दासी धन्यवाद देती है। हमारे साथ इधर प्रिंसेस मारिया भी हैं जिन्होंने माता सविंदर जी को स्पिरिचुअल आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड
सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतीक अवार्ड दिया था। जब वह अवार्ड दासी के पास आया तो शरीर रूप में माताजी साथ नहीं थे। जैसे ही वह अवार्ड दासी ने लिया, जहां वह दासी के लिए सुखद क्षण था, वहीं यह भी महसूस हो रहा था कि दासी माताजी के अवार्ड को लेने की बिल्कुल हकदार नहीं है, क्योंकि दासी का जीवन बिल्कुल भी उस मुकाम पर नहीं है जहां मिशन के गुरुओं का रहा है। दासी आप सबसे आशीर्वाद मांगती है कि जो भी एक एक गुण मिला है, बाबा जी और माता जी ने जो मूल्य हमें बचपन में सिखाए हैं, जो मिशन की विचारधारा है, उसको धारण कर सके। आप संगत माँ रूप में आशीर्वाद दें कि दासी पल पल आप सबकी पूरी कद्र कर सके और इस मिशन को हम सब ने मिलकर, जैसे माता जी कहते थे कि कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ रहकर आगे से आगे बढ़ाना है, ताकि हर एक घर में रोशन मीनार महात्मा हो और हम पूरी दुनिया को प्रकाशित कर पाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी।